सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 6 न्यू मल्टीप्लेयर गेम्स फॉर एंड्रॉइड। तो ये जितने भी गेम्स आपको लिस्ट में देखने को मिलने वाले हैं सभी ऑनलाइन होने वाले हैं, क्योंकि सारे गेम मल्टीप्लेयर हैं इसकी वजह से। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि ऑफलाइन में भी मल्टीप्लेयर गेम्स लेके आऊँ, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। बाकी इस वीडियो के जितने भी गेम्स हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ में या फिर ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ में खेल सकते हैं। एंड सभी गेम में आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा एंड ग्राफिक्स सभी गेम की आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी लिस्ट को राफ्ट सर्वाइवल मल्टीप्लेयर गेम के साथ में। एंड इस गेम का साइज़ है 99 MB। अब ये जो है ये एक बेसिकली एक सर्वाइवल टाइप का गेम है, जैसे कि आप गेम को देख ही सकते हैं। बाकी ये जो गेम है ना, राफ्ट सर्वाइवल गेम का ही सीक्वल हम कह सकते हैं, पर ये जो है मल्टीप्लेयर होने वाला है एंड आप इसे ऑनलाइन खेलिएगा। एंड इसके अंदर में जो है आपको सर्वाइव भी करना है एक राफ्ट के ऊपर में, एंड आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस गेम को खेल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा गेम है अगर आपको सर्वाइविंग टाइप के गेम पसंद है एंड आप चाहते हैं कि आप कोई सर्वाइविंग गेम अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलें, देन आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी न्यू ही आया है ये गेम। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे एंड बात करते हैं ब्लॉकबस्टर्स गेम की। एंड इस गेम का साइज़ है 293 MB। अब ये जो ये एक थर्ड पर्सन शूटर गेम है, जैसे कि आप गेम को देख ही रहे हैं, इस गेम की ग्राफिक्स थोड़ी सी एनिमेटेड स्टाइल की रखी गई है, बट काफ़ी अच्छा गेम है। एंड इस गेम का गेम प्ले भी बहुत ही स्मूथ है एंड गेम के कंट्रोल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड हाँ, इस गेम के अंदर में आपको अलग अलग गेम मोड देखने को मिलेंगे जिनके आप जो है ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ में खेल सकते हैं, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस गेम को इंजॉय कर सकते हैं। एंड हाँ, एक और चीज़, इस गेम के अंदर में आपको जो है कैरेक्टर चूज करने का भी ऑप्शन मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड उसी के साथ में अलग अलग लोकेशंस एंड वीपन्स भी इस गेम के अंदर में अवेलेबल है। बस गेम की यही कमी है कि ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसको टैप टैप से डाउनलोड करना पड़ेगा। बाकी मैं सभी गेम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इनको ईजिली जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा फोर्थ प्लेस पर गेम है DC बैटल अरेना। एंड इस गेम का साइज़ है 722 MB। अब ये जो गेम है ये बेस्ड है DC यूनिवर्स के ऊपर में, जहाँ पर आपको जो है DC यूनिवर्स के हर टाइप के कैरेक्टर इस गेम के अंदर में देखने को मिलने वाले हैं, लाइक सुपरमैन, बैटमैन, ये तो सबसे ज़्यादा फेमस ही हैं दो। पर ये जो गेम है ना, इसके अंदर में आप खुद के हीरोज़ के साथ में इस गेम को प्ले कर सकते हैं। एंड ऑब्वियस ही बात है कि ये सुपर हीरो वाला गेम है, तो आपको इसके अंदर में सुपर पावर भी देखने को मिलने वाली है। तो हर कैरेक्टर की खुद की एक सुपर पावर होगी, खुद की एबिलिटी होगी, तो इससे गेम जो है और भी अच्छा हो जाएगा। एंड हाँ, एक और चीज़, इस गेम के अंदर में आपको अलग अलग गेम भी देखने को मिलने वाले हैं, लाइक 1v1, टेक डाउन, सर्वाइवल, इस टाइप से। एंड आप जो है इसको ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ में भी बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। एंड आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ में टीम बनाएं एंड खेलना चाहें तो वो भी इस गेम के अंदर में अवेलेबल है। तो काफ़ी अच्छा गेम है एंड ग्राफिक्स भी अच्छी रखी गई है, बस कैमरा जो है उसका अपर एंगल से है गेम प्ले का, बाकी सब चीज़ें इस गेम के अंदर में बहुत अच्छी है। तो यहाँ हमारा अगला गेम है रो रेसर्स। एंड गेम का साइज़ है 172 MB। अब अगर आपको सबवे सर्फर या फिर टेम्पल रन टाइप के रनिंग गेम पसंद है तो आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि सबवे सर्फर एंड टेम्पल रन इस टाइप के गेम्स में हम रियल टाइम में प्लेयर से जो है रेस नहीं कर सकते हैं, पर इस गेम के अंदर में ये फीचर अवेलेबल है। एंड इसमें जो है आपको ओपोनेंट्स इन सबको डिफीट करना है रेसिंग में, बाकी इसके अंदर में आपको एबिलिटीज एंड पावर अप्स ये सब भी देखने को मिलने वाले हैं, तो इन सब का भी यूज़ करना, तो इससे जो है रेस में और भी मज़ा आने वाला है। एंड हाँ, एक और चीज़, इसमें जो है अलग अलग कैरेक्टर्स भी आपको इस गेम के अंदर में देखने को मिल जाएंगे एंड लोकेशंस भी अलग अलग इस गेम के अंदर में अवेलेबल है, क्योंकि न्यू गेम है तो अभी इंडिया में नहीं आया है। इंडिया में अच्छे गेम वैसे भी बहुत कम आते हैं, पर ये जो गेम है ना आप अप टू डाउन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जितनी भी लिंक दूंगा ना आपको सब इजी है कि वहां से सिर्फ 1 क्लिक में डाउनलोड हो जाता है, तो आप चाहें तो इस गेम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की। एंड इस गेम का नाम है रेड वैली। एंड गेम का साइज है 149 MB। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिंपल सा थर्ड पर्सन शूटर गेम है तो आप गलत हैं। इस गेम का कॉन्सेप्ट लगभग क्लैश ऑफ क्लैंस जैसा ही है, बट डिफरेंट टाइप का आपको गेम प्ले देखने को मिलेगा। अब मैं बताता हूँ, इसके अंदर में जो है आपका खुद का बेस रहेगा, बेस यानी आपका खुद का इलाका रहेगा एंड ओपोनेंट का भी इलाका रहेगा, तो आपको खुद के इलाके यानी कि बेस को जो है डिफेंड करके रखना है एंड उसको अपग्रेड भी करते रहना है टाइम टू टाइम। एंड जो ओपोनेंट का बेस रहेगा यानी कि इलाका होगा, तो उस पर आपको अटैक भी करना है। एंड इसमें अटैकिंग चीज़ ही सबसे अच्छी है, क्योंकि वहाँ जो है आपको थर्ड पर्सन शूटर व्यू मिलने वाला है, जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक सी फीलिंग आती है। एंड आप चाहे तो क्लैश ऑफ क्लैंस टाइप का जो अपर कैमरा एंगल होता है तो वो भी इस गेम के अंदर में अवेलेबल है, तो आप दोनों तरीके से इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। एंड बहुत ही अच्छा गेम है एंड मतलब आपको इस गेम को तो ट्राई करना ही चाहिए, नया गेम है एंड अलग कॉन्सेप्ट पे है, पर गेम प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा रखा गया इस गेम का, 150 मैंने इस गेम को इतनी ऊपर रखा लिस्ट में।
तो आ चुके हैं इस लिस्ट की टॉप पे एंड यहाँ जगह बनाई है द ओरिजिन मिशन गेम ने एंड इस गेम का साइज है 1 GB। अब इस गेम के बारे में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, ये जो है काउंटर स्ट्राइक गो का मोबाइल वर्जन है जिसके अंदर में आपको ए टू जेड चीज़ें काउंटर स्ट्राइक गो जैसी ही देखने को मिलेगी। लाइक सबसे पहले तो गेम प्ले जो कि मेन चीज़ है इस गेम का एंड हाईलाइटिंग फीचर है वो पूरा ही एक्यूरेट है सी एस गो जैसा। साथ में इसमें आपको अलग अलग गेम मोड भी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ में इसमें आपको अलग अलग वीपन्स भी देखने को मिलेगी। लगभग सभी टाइप की वीपन्स इस गेम के अंदर में अवेलेबल है एंड उसकी स्किन्स ये सब भी हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्किन्स ये सब कलेक्ट करने में अच्छा लगता है इसकी वजह से। एंड हाँ, एक और चीज़ इसमें जो है आपको अलग अलग कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी गेम की ग्राफिक्स भी बहुत ही अच्छी है, दैट्स वाई गेम का साइज़ भी 1 GB है। पर अभी नया नया गेम है एंड डाउनलोड्स इसलिए कंप्लीट जल्दी हो जाते हैं क्योंकि FPS शूटिंग गेम एंड TPS शूटिंग गेम के डाउनलोड्स बहुत ही जल्दी कंप्लीट होते हैं। बाकी सही में गेम बहुत ही अच्छा है एंड आप चाहें तो इस गेम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए भी थैंक यू।